ओम शांति, ओम शांति। मामा कहते हैं बच्चे कभी पर चिंतन मत करो, किसी के प्रति भी अपना मन को उसमें बिजी करके उसके प्रति चिंतन करके उसका आपका चित्त को उसका कमजोरी ग्रहण करके रखने से क्या होता है। देखो अभी ये एक वॉज है ना, ये वॉज बाहर है ना, अगर इसको ज्यादा फोकस करके कितना अच्छा वास है, ये वास मुझे भी चाहिए, ये वास कहाँ मिलता है, मैं मुझे ढूंढना चाहिए, इस वास के प्रति मैं ज्यादा सोचता रखता हूँ तो ये वास बाहर नहीं कहाँ आ गया चित्त पर आ गया। वो चित्त हमेशा कहाँ भटकता रहता है, जो चीज अंदर लिया है वहां भटकता रहता है। जितना हम व्यक्ति के कमजोरी को बाहर से लेके अंदर रखते हैं उतना हमारा कर्मों की खाता में क्या होता है जमा होता है। किसी ने दादी जानकी से पूछा था दादी हम किससे डरना है, तो दादी ने बताया कि बात नहीं, बाबा भी प्यार का सागर है, बाबा भी हम सबका भी अवतार है, इस संसार में डरना है तो एक चीज को डरना है वो कर्म को, किसको डरना है। इसीलिए कहा जाता है जमाने में गुरु में ऐसे कहते थे जो भी बोलना है तो पहले सोच करके बोलो, ऐसे कहा ना, बोलने के पहले क्या करना है सोच के बोलो। लेकिन अभी वो जमाना से भी आगे चले गए, सोचने के पहले सोच, मेरे बात समझ में आया, सोच करके बोलने का टाइम गुजर गया, अभी का टाइम क्या है सोचने के पहले भी सोचना है। इतना कर्मों का कुशलता पर हमारा बहुत सूक्ष्म गतियों को ऑब्जर्व करना है। किसी का कमजोरी उठाना अर्थात दादी की बहुत सुंदर बात कही, अगर किसी की कमजोरी आप उठा रहे थे इसका मतलब कोई पाल का करके क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, जो पान कुछ होता है वो खा करके कोई चबा चबा के उसको क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, तो उसको कोई जाकर के फिर मुंह में डालते हैं क्या, उसको जाकर कोई मुंह में डालते हैं, तो किसी का कमजोरी का ग्रेट दादी ने बोला जैसे पान को खा करके वो मुंह से निकालता है उसको कोई भी लेके नहीं डालता है, ऐसे किसी का कमजोरी आपने लिया तो वो आपने अपने अंदर डाला। इसीलिए पर चिंतन पर दर्शन पर मत ये तीन भी हमें ज्वाइंट अकाउंट बनाने, क्या क्या ज्वाइंट अकाउंट में मेंबरशिप होते हैं, पर चिंतन पर दर्शन पर मन, फिर इन तीन पर से भी एक पर आना है उससे ये तीन पर भी मुक्त हो जाते हैं, वो है परोप।